गुड मॉर्निंग गाइज, आज है सैटरडे तो आज नवनिया को इनके बर्थडे में जो मिला था नवंबर में गिफ्ट, वो आज उतार के दिया। ये बहुत देर से मांग रहे थे, हालांकि मैं देना नहीं चाहती थी ये क्ले वगैरह, बट देना पड़ा क्योंकि रखा भी हुआ तो दूसरा ठीक है, गंदा करेंगे तो साफ भी करना पड़ेगा, बट ठीक है ना, बच्चे हैं अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे। आने के बाद थोड़ा रूटीन वगैरह सब चेंज हुआ है, अभी जा रहे थे स्कूल, आज छुट्टी है तो दोनों खुश हैं, खेल रहे हैं। गुड इवनिंग गाइस, तो नवनिया जो हैं अभी वॉक पे निकले हैं, दिस इज एन इवनिंग वॉक, एंड अभी नव जो है स्टाइल दे रहा है, स्टाइल स्टाइल देने के चक्कर में नव अभी पॉकेट में हाथ रख के वॉक कर रहा था और नव वॉज अबाउट टू फॉल, जस्ट गिरने वाला था। नव बिहेव्स लाइक अ यंग बॉय, पॉकेट में हाथ रख के। तो ये देखिए अयान अभी हेयर कट के लिए जा रहा है और अनाया जो है वो मम्मी के पास है। They can walk to the saloon and saloon is right at 10 minutes walk, I think 10 to 12 minutes walk. So Ayan decided to walk, not to go by car, right Ayan? It's 6 o'clock in the evening aur mujhe aisa lagta hai ki Ayan ko thoda sa walk karne ki zarurat hai. Kya hai Ayan? Ayan? Ayan is blushing, giving a smile. So Ayan is eager to see the Rolls Royce and I think Ayan found one, right? So daddy was not lying, daddy told you that you will find a Rolls Royce after 6 cars, and here is Nav's favorite car, Rolls Royce, even a toy, yes. If it is a toy, Nav likes it very much, right Nav? Yeah. Even I want to buy that car when I grow. Okay, you want to buy that car when you grow? I'm gonna take from somebody. You know that Shah Rukh Khan has also bought that car, but your daddy cannot buy because it is very expensive. Then I'm gonna grow up, then I'm gonna take from him. Ah, from him? From whom? Which Rolls Royce? Okay, you want to buy it from that person? Yeah. He doesn't want to sell it. Then what will you do? Then we will arrange to our car. Your car is here. Your car is empty. So we will arrange to him and I'm going to let you sit in my car. Ye bol raha hai ki main usko bolunga ki mere car mein baitho. Why a person, you know, using a Rolls Royce car will sit in my MG car, eh? Because Rolls Royce is very good car, no? You can give your MG to Rolls Royce driver and he is gonna give Rolls Royce to me to drive, then you can even sit. Okay. You will give? Yes, I will give. Hey guys, welcome back to the channel. कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी 8:30 बज रहे हैं रात के और दिन से मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया, थोड़े बहुत बस वही नवनिया के क्लिप्स आपने देखा। सैटरडे है तो हमारा प्लान बना था मेरा और अनिमेश का कि हम मूवी जाएंगे गदर, क्योंकि इंडिया में हम देख नहीं पाए थे, तो वैसा प्लान बना। शाम के 6:40 के टिकट्स थे तो हमने शिखा से पूछा, सतीश जी से भी पूछा और शिखा से भी पूछा। तो सतीश जी लोगों का आज कुछ और प्लान था, उनके घर पे कोई गेस्ट आए हुए थे तो वो नहीं जाने वाले थे आज। तो शिखा से पूछा तो शिखा ने पहले बोला हाँ चलेंगे, फिर उसने बोला ना कि एक्चुअली उसने नई गाड़ी ली है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया उसके हस्बैंड को, तो नई गाड़ी ली उन लोगों ने, कल ही लिया है, तो वो सोच रहे थे कि आज वो हमारे घर पे आएंगे और वो खाना बनवा के मतलब लेके आएगी अपने कुक से।
तो यहीं पे हम लोग खाएंगे, फिर ये प्लान बन गया। तो हमने भी सोचा छोड़ देते हैं मूवी, आज नहीं जाते। तो वो लोग अभी आ रहे हैं, वो खाना वगैरह लेके आएगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। क्या क्या लाई है शिखा, देखिए पालक पनीर बहुत ही यम्मी दिख रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि इसका कलर पूरा ग्रीन ग्रीन है। करेले की भुजिया, इसमें रोटी है। प्लेट कोड क्या है आपका नंबर? तो अभी हम लोग शिखा के गाड़ी से जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। वो है, सॉरी कौन सी? अच्छा इसको अपनी गाड़ी याद नहीं थी। शुभम बोल रहे हैं अनिमेश को चलाने के लिए, अनिमेश बोल रहा है मैं नहीं चलाऊंगा। शुभम बोल रहे हैं आप चलाओ। नहीं नहीं बाबा। एमजी की गाड़ियाँ अभी बहुत चल रही है। अनिमेश ने लिया था आज से 2-2.5 साल पहले, अभी तो बहुत हो गई। उस टाइम में ज़्यादा नहीं थी, अभी तो बहुत एमजी की गाड़ियाँ रोड पे दिखती है, इंडिया में भी बहुत दिखती है। मुझे बाबा डर लगता है किसी गाड़ी चलाने। नए नए फीचर्स लॉन्च कर रहा है एमजी, देखिए। क्या नाम इस मॉडल का? MG1। MG1, इसके बाद 2 आएगी। वेरी गुड। बॉडी ब्लैक है और ऊपर ग्रे है। नहीं ये ग्रे है। अच्छा ये ग्रे है, ऊपर ब्लैक है। वेरी गुड। अच्छा है पूरा, इसका डिस्प्ले वगैरह भी चौड़ा है पूरा। डैडी को छोटा गाड़ी चाहिए। अच्छा मम्मा खरीदेगी छोटा गाड़ी। कार शॉप से। हम आए कुल्फी खाने यहाँ। अच्छा ये पान कुल्फी शिखा की, अनिमेश की कौन सी है? अनिमेश ने फालूदा मंगाया। अच्छा हाँ, इसका हल्का ग्रीन है बस, उन दोनों का मलाई कुल्फी का। ये हमारी कुल्फी फालूदा, ट्राई करूँ ना इसमें से? अरे खा लो। अब अनिमेश चला रहे हैं और अनिमेश को अच्छी लग रही है, रिव्यू दे दो थोड़ा, गाड़ी बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। हाँ। गाड़ी की पावर अच्छी है, बैलेंस अच्छा है, जर्क नहीं लगती है, वो भी समझ में आया क्योंकि मैं जानबूझ के उठाया उस पे। अच्छा। और इसमें गुड मॉर्निंग गाइज, आज संडे, कल रात में हमें आने में लेट हो गया तो बच्चे तो गाड़ी में ही सो गए थे, फिर सोए हुए में ही इनके कपड़े चेंज किए। फिर गाड़ी से हम लोग गए थे आइसक्रीम खाने, बहुत अच्छी थी आइसक्रीम और गाड़ी। बोला नए गाड़ी से हम लोग गए थे आइसक्रीम खाने, बहुत अच्छी थी आइसक्रीम भी और गाड़ी भी। हाँ गाड़ी उनकी बहुत अच्छी थी। और ये देखिए आज इन दोनों ने अपने ये टॉयज उतारे हैं, इनके बर्थडे वाली, अब वापस आने के बाद धीरे धीरे अपने बर्थडे वाले टॉयज ले रहे। कल उन लोगों ने वो प्लेइंग डॉल लिया, वो खराब हो गई थी शायद, बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी और वो अजीब सी चिप चिप हो रही थी, तो हमने फेंक दिया। गंदा स्मेल आ रही थी, वो खराब था। हाँ बहुत दिन से नहीं आए थे, दुआई से वो खराब। हाँ खराब हो गई थी वो, तो फिर अभी ये वाली ब्यूटी सेट जो इसको मिली थी निया को, और ये तो अब तो कुछ महीने बाद फिर से इनका बर्थडे आ जाएगा, तो अभी नवनिया थोड़ी जिद कर रहे हैं तो हमने भी दे दिया उतार के। वैसे भी बाकी सारे जो भी टॉयज वगैरह सब अभी हटाना है पहले के, तो वो सब भी मैं पैक कर रही हूँ देने के लिए, तो ये सब अभी निकाल के दे दिया इनको। देखिए इतने एक्साइटेड है खोलने के लिए, जल्दी जल्दी से आज ब्रश किया है अपने से बिना बोले, फिर वॉशरूम वगैरह गए हैं, खा भी लिया, और मैंने बोल दिया था जब तक ब्रश नहीं करोगे, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करोगे नहीं मिलेगा। कितना मुश्किल लगेगा पार्ट? कितना मुश्किल लगेगा पार्ट है। हाँ पार्ट्स अलग अलग है उसके, कितने पार्ट्स निकले हैं इसमें से, अब सबको जोड़ो फिर बैठ के, ये भी एक काम ही हो गया। अब नब वाला खुल रहा है। She will do herself. Look at this. Try to fix it. ये सारा फिक्स करो ऐसा देख के।
तो ये खुद से फिक्स करने की कोशिश कर रही है निया, वेरी गुड। तो ये हो गया और देखिए इसकी बैटरी ना नब ने पहले ही चला चला के ख़त्म कर दी है। साउंड देखिए कितना कम आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे था ना, ऐसे बटन प्रेस हो सकता था ट्राई मी, तो बॉक्स के ऊपर से ही खेलता था, मैं तो खोलने नहीं दे रही थी, तो बॉक्स के ऊपर से प्रेस कर करके इसने खूब चलाया है इसको, तो इसकी बैटरी थोड़ी कम हो गई है इसकी है अभी। निया का यहाँ पे हो रहा है असेंबल, ये स्टिकर्स वगैरह लगा रहे हैं अनिमेश। थैंक यू डैड। निया खुद ही निकाल रही है उसका वो शीट। हो गया, आप दिन भर आज ये लोग इसी में लगे रहेंगे, वो उधर चालू है, ये इधर मेकअप कर रही है अपना। करो मेकअप कैसे कर रही थी देखिए। दिन भर आज संडे इन लोगों का इसी में जाएगा। सो गाइस शाम के 6:30 बज रहे और अनिमेश बाहर गए थे वॉक पे, तो चाट लेके आए, तो यही आज हमारा डिनर होगा। अनिमेश अपना भी लेके आए, मेरा भी लेके आए, सिंपल दही भल्ला चाट है, और नवनिया तो खाना खाएंगे घर। आज हम कहीं भी नहीं गए, दिन भर बस ऐसे घर में ही है। बहुत गर्मी है बाहर, कहाँ जाएंगे, ऐसे भी जाएंगे तो किसी बंद जगह ही जा सकते, मॉल वगैरह, तो वो मन नहीं था, और बाहर ऐसे घूमने के लिए तो नहीं जा सकती, इतनी गर्मी है। कल तो बस दिन भर ऐसे ही गया, मूवी की प्लान थी तो गए नहीं हम लोग, बस शाम में थोड़ा तो निकले बाहर, पर आज कहीं नहीं गए। सो गाइज फाइनली हमारा प्लान बना कि हम थोड़ा 1 घंटा घूम के आते हैं, क्योंकि नवनिया बोर हो रहे थे, फिर तो कल से वही स्कूल वगैरह लगा ही रहेगा फ्राइडे तक। तो 2 महीने के बाद मैं इस गाड़ी में बैठ रही हूँ, 2 महीने तो हो ही गए पूरे, नवनिया तो स्कूल जाने से बैठ भी गए, मैं अभी बैठ रही हूँ। ये क्या है मेरे सीट पे। तो गाइस 2 महीने के बाद बैठ रही हूँ इस गाड़ी में, तो अच्छा लग रहा है, और ये कार परफ्यूम भी ख़त्म हो गई, तो अनिमेश को ध्यान नहीं रहता ये सब, तो जाऊँगी तो ले आऊँगी डे टू डे से। और गर्मी की वजह से ना गाड़ी में एक अलग टाइप की स्मेल आती है, अगर कार परफ्यूम वगैरह ख़त्म हो गई है तो बहुत दिनों के बाद हम आ गए मनकूल पार्क, क्योंकि नब को जाना था पार्क, इतनी जिद कर रहा था पार्क जाना है। आज संडे है लेकिन संडे को भी भीड़ है, ऐसा नहीं है लोग नहीं है। निया को झूला झूलना था इसीलिए तो आई है पार्क में। इसके डैडी भी कम थोड़े ना बैठ गए मौका देखते ही। अरे ध्यान से, ओ बड़े लोगों के लिए नहीं है, इतने बड़े लोगों के लिए। लिफ्ट में जब मैं चढ़ रही थी तो मुझे बोलते हैं 1000 kg मैक्सिमम कैपेसिटी है, अभी मैं भी कुछ बोलती हूँ सुनो, 1000 kg मैक्सिमम कैपेसिटी है। हाँ तो आप 1000 से ऊपर हो ना। हाँ चुप रहो, बोलने को बहुत कुछ बोल सकती हूँ लेकिन क्या बोलूँ, जाने दो। हाँ नव को देखिए कहाँ कहाँ चढ़ रहा है वो। गाइस लेकिन इतने टाइम तक के लिए मैं, मतलब मैं शाम में नहीं निकली थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सोचे दिन में क्या हाल होता होगा। अनिमेश जब जाते हैं दिन में तो बोलते हैं
कि इतनी गर्मी है कि सोच भी नहीं सकती हो, तो ये बात सच है। बहुत ज्यादा ही गर्मी है, बाप रे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क में, हो गया नबनिया ने खेल लिया, अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। डे टू डे को ना डेली ऐसा सजाया रहता है जैसे लग रहा है कोई शादी ही हो। शादी में भी इतना नहीं सजाते होंगे, डे टू डे को एक त्योहार की तरह ही मनाया जाता है। बहुत ज्यादा सजाया हुआ है और लाइट्स भी मतलब काफी अच्छे हैं, एकदम ब्राइट लाइट्स हैं, काफी चमक रहे हैं। कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है, सामने से जो देखेंगे उनको पता चलेगा। एकदम जगमग जगमग लग रहा है, शादी ही हो रही है। सो गाइस, आज नेक्स्ट डे यानी मंडे, बैक टू रूटीन। और नबनिया गए स्कूल, सुबह का टाइम है और अनिमेश हाय हेलो नहीं करते हैं, अभिनंदन आभार नहीं करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि एक बार आके बोल दिया कीजिए, तो इसीलिए इनके सामने से वीडियो बना रही हूँ। अभिनंदन आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। कान में चिल्लाते इनको बोलो, इसका मतलब ये मेरे ही कान में चिल्ला देंगे। सही बात है, कान में चिल्लाने से याद आया, संस्कार। संस्कार एक ऐसा शब्द है जिसके काफी स्कोप जो है वो ज्यादा है। संस्कार एक ऐसा शब्द है जो अभी दिमाग में आया, क्योंकि श्वेता ने कहा था कि कान में जोर से चिल्लाया निमेश ने, तो ये भी एक ऑफकोर्स अच्छे संस्कार में नहीं आता है, इसलिए कान के पास जोर से चिल्लाया मत कीजिए। हाँ, अगर मेरा कान का पर्दा फट गया तो। हाँ, ये जो संस्कार की बातें आ रही थी ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अच्छा चीज जो है ना वो संस्कार है। अब ये संस्कार की बात जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि अगर हमें जो जीवन मिला है, इस जीवन में अगर हम किसी के लिए परेशानी का कारण बनते हैं या किसी को परेशान करते हैं, तो ये जीवन बेकार है। ये बात तो है, कहने का मतलब बेकार है। अब ये बात कहाँ से आ रही है, तो हमें अपने आसपास के सभी लोगों का, अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी वजह से वो परेशान ना। बट अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखना चाहिए, देख लीजिए गाइस, पेरेंट्स का ध्यान आया, बच्चों का ध्यान आया, बीवी कहीं बाहर आसपास, मतलब मुझे कहीं किसी चीज में शामिल ही नहीं करते हैं। अब फिर मैं अगर बोलूंगी कुछ तो कुछ लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं अनिमेश जी, ये अनिमेश जी, वो ये एक्चुअली समझने की बात है, क्योंकि जब हम बात करते हैं नहीं, तो बीवी जो है इंक्लूसिव है। आप ना ये पॉलिटिक्स वाली बातें मत करो, नेताजी बन के बात मत करो। शादी के बाद ये समझना चाहिए कि मैं शब्द जो है वो पहले ही चला जाता है, जो हम बात करते हैं तो हम दोनों की तरफ से बात करते हैं। ऐसे नहीं बोलते आप, ये मेरा चैनल नहीं है, ये हमारा चैनल है, इसीलिए हम जो है यानी कि हम दोनों जो है, जब भी हम बोलते हैं तो हम अपने आप को सम्मिलित रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ दिन पहले आप बोल रहे थे तुम्हारा चैनल है, तुम जानो, मैं नहीं, नहीं वो नहीं करते थे। एनीवेज चलिए गाइस, यहाँ पे हम लड़ाई करने नहीं आए, वो तो नोकझोंक चलती रहेगी। कहने का मतलब है कि हमें मतलब हम सभी को, अपने आसपास के लोग, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चे को, अब देखिए बच्चे भी तो है हमारे ही है ना, तो हम दोनों के हैं, तो हम लोग एक ही है। कहने का मतलब ये है, सभी का ध्यान रखना चाहिए। अब ये बातें कहां से उठ रही हैं, पहले संस्कार से उठी, कान के पास जोर से चिल्लाना, फिर ये लिंक होते गई, तो सारी चीजें कनेक्टेड होती है। ये बातें इसलिए उठ रही है क्योंकि बच्चों के स्कूल की टाइमिंग जो है ना वो चेंज हो गए हैं। 7 बजे सुबह जाते हैं, उसके लिए 6 बजे सुबह उठते हैं, 2 बच्चे हैं, तैयार होने में टाइम लगता है। उसके बाद वो लगभग 3:45 बजे तक आते हैं, फिर खाना खाकर थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं, फिर उठते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई की, थोड़ी बहुत डांस की एक्टिविटी की, पार्क गए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब जैसे जैसे प्रोग्रेसिव हो रही है, आगे की चीज़ें आते जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बीइंग पेरेंट्स, हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हम कोशिश कर रहे हैं ध्यान रखने की, कि बच्चों पे ज़्यादा बर्डन जो है वो आए नहीं। हम लोगों के कारण हमारे टाइम मैनेजमेंट ऐसे होने चाहिए कि बच्चे जो है काफ़ी कंफर्टेबल होने चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। और इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि मंडे टू फ्राइडे जो रहता है ना, वो हम काफी एडवेंचरस नहीं बनाएंगे। वैसे भी हमारा कहाँ ऐसा कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। अभी जो इंडिया से आने के बाद जो है, ये हमने स्पेशली डिसाइड किया है कि मंडे टू फ्राइडे इतना एडवेंचरस नहीं बनाएंगे, जैसे कि
यू नो गेस्टिंग पार्टी या फिर बाहर जाके शॉपिंग करना शाम में, बच्चों को 8-9 बजे तक सो जाना चाहिए ताकि यू नो अगले दिन वो फ्रेश मूड से उठे, नहा वहा के जाए स्कूल और अच्छे से पढ़ाई करे, बिल्कुल फ्रेश रहे, स्कूल में सोए नहीं। स्कूल में पढ़ाई का मतलब आज के दिन में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बाकी सारी एक्टिविटीज भी होती है, काफी सारी एक्टिविटीज होती है, 360 डिग्री की उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हर चीजों में अच्छे से इन्वॉल्व हो सके, प्रैक्टिकली, फिजिकली, यू नो थ्योरेटिकली। तो उसके साथ साथ जो है उन्हें मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर टाइम स्लीप की जरूरत है। इसीलिए हम लोग जो है उसके प्रति, यानी कि अब बच्चों के प्रति ज्यादा डिवोटेड हैं ताकि उनको ज्यादा परेशानी ना हो। यही बातें जो है वो हमें शेयर करनी थी आपको। शायद हमारी वीडियो के कंटेंट इतने एडवेंचरस नहीं मिलेंगे और शायद रेगुलरली अब आएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी हमारा फोकस बच्चों पे ज्यादा रहेगा तो हम अपने कारण उनको नहीं वो कर सकते, परेशान नहीं कर सकते। हमारी कोशिश यही रहेगी कि 8, 8:30, 9 बजते बस वो बेड पे चले जाए, साथ में वो स्कूल से आए पढ़ाई भी कर ले, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज भी कर ले, पार्क भी चले जाए और 9 बजते वो बेड पे चले जाए 8:30 से 9 बजे तक। और इसके कारण हमें भी बेड पे जाना पड़ेगा, नहीं तो सोएंगे नहीं। तो अब हम अपना टाइम टेबल वगैरह उनके हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। और जब वो सुबह नहा भी लेते हैं उसके बाद भी ना आंखों से पता चलता है, मतलब एक होता है ना नींद में आंखें थोड़ी अलग लगती है, छोटी छोटी थोड़ी दूसरी टाइप की, वो लगता है तो थोड़ा फील होता है, क्योंकि वो अगर फ्रेश नहीं रहेंगे, अच्छे मूड में नहीं रहेंगे तो स्कूल में सारे एक्टिविटीज में बराबर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्लीप साइकिल पूरा होना अच्छे से जरूरी है। तो बस वही चीजें हैं। तो शायद अब वीडियोस टाइम टू टाइम नहीं आए या जो भी, ये देखते हैं क्या कैसे होता है। अभी तो हम भी देखेंगे ही कैसे हम इस चीज में एडजस्ट कर पाते हैं। और एक बात और शेयर करनी थी आप लोगों से, जब मैं दिल्ली गई थी तो एक दो कमेंट आया था, मतलब एक ही इंसान का कमेंट आया था कि आप खाते सब कुछ हो और बताते नहीं। तो मैंने इस बारे में बात भी किया था, तो ऐसा नहीं है, जब मैं जो खाती हूँ मैं बिल्कुल शेयर करती हूँ, मैं उन लोगों में से हुई ही नहीं कि खाऊं कुछ भी और बताऊं अलग। जब मैं डाइटिंग करती थी तो वही शेयर करती थी, नहीं करती हूँ तो जो भी खाया मैंने होम टाउन में जम के खाया और नहीं रोका खुद को। शुरू में रोका था, ज्वार बाजरा की रोटी खा रही थी, फिर मैंने बोला यार नहीं, अब सब ये खा रहे, मैं अलग नहीं हो सकती, यहाँ पे मेरा अपना पूरा बनाया हुआ है कि मैं जो बनाऊ अपने लिए जैसा बनाऊ वही खाऊंगी, वो चीज है। वहां पे नहीं हो पाता था उतना मेंटेन, क्योंकि सिर्फ मेरी एक अलग के लिए अलग टाइप का खाना, सब अलग खा रहे मैं अलग, वो नहीं हो पाता था। प्लस सब बाहर भी गए तो अलग टाइप का खाना, मम्मी के यहाँ भी गए तो अलग टाइप का खाना, तो कैसे होता। तो जो मैंने यहाँ पे 4 kg वेट कम किया था, 4 kg से ज्यादा ही कम किया था, है कि नहीं, वो मैंने वहां पे जाके वापस से गेन कर लिया है। और जब मैं जो सारी चीजें खाती हूँ तो मैं छिपाती नहीं हूँ, जैसा कि मैंने अभी भी बोला है, तो मेरे फेस पे भी आपको दिख जाएगा। अभी मैंने वेट पुट ऑन किया तो ये मेरे गालों पे दिख रहा है, मेरे बॉडी पे दिख रहा है। जब कम किया था तो ये भी मतलब पतला दिखता था, बॉडी भी कम दिखती थी, अभी वापस से ये सब आ गया है। अच्छा कोई तो, नहीं तो फिर मुश्किल कितनी होती थी, याद है ना कितनी मेहनत से कम किया था। तो कहने का मतलब ये है कि खाना सब कुछ चाहिए लेकिन भर भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले खाना चाहिए। मैं भी यही करता हूँ, टेस्ट तो मैं हर चीज करता हूँ लेकिन थोड़ी 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 थोड़ी। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं जो चीजें खाती हूँ ना तो मैं उसको छिपा नहीं सकती, वो मेरे फेस से आपको नजर आ ही जाएगा, फेस पे पता चल ही जाएगा। 4 kg जब कम किया था तब फेस से भी पता चलता था, अभी भी पता चल रहा है, जब खाया पिया मीठा इतना खाया तो पता चलता। तो मैं वैसी ही हूँ, जब जो करती हूँ बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि खाऊंगी पराठे मिठाई ये वो रसमलाई और नहीं बताऊंगी, ऐसा नहीं। रसमलाई खाया तो बिंदास बताया कि खरीदने गई हूँ और खा रही हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं होगी छिपाऊंगी, क्यों छिपाऊ, मेरा मन मेरी बॉडी मेरा पैसा, मैं खाऊंगी तो बताऊंगी ना, इसमें ऐसा क्या है। तो वही चीज है कि अभी खा पी के आई हूँ और हाँ आने के बाद तो कंट्रोल किया, लेकिन वही उस दिन फिर शिखा लेके चली गई तो उसने वो फालूदा वगैरह खिलाया तो फिर वो ही जाता अच्छी है। कुल्फी थी भाई, बहुत अच्छी थी फालूदा की कुल्फी, फालूदा हमने खाया था, बहुत ही बहुत अच्छी थी। जो हम खाते हैं जो फालूदा ग्लास में मिलती है उससे अलग थी, क्योंकि रबड़ी डाली हुई थी और इतना कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी नहीं था, मतलब सही था, बहुत अच्छा लगा, क्वांटिटी भी सही थी उसकी, तो अच्छा लगा था, तो टेस्ट अच्छा था इसलिए मैंने खाया। तो वही है, लेकिन अभी कंट्रोल फिर से करूंगी तो देखती हूँ कितने दिनों में फिर से कम होता है, लेकिन अभी खा पी के आई हूँ तो दिख रहा है अभी, तो मुश्किल तो है चेहरे से अभी इसको कम करना, देखते हैं क्या होता है। तो वही चलिए गाइस, बातें बहुत हो गई है, यही वीडियो नहीं तो, तो बात जो है वो संस्कार से चली थी, तो संस्कार यही नहीं होता है कि हमें बच्चों से एक्सपेक्ट करना है कि उनके संस्कार अच्छे हैं,
पेरेंट्स के भी इक्वली संस्कार होते हैं कि बच्चों को सही सही समय दें, उनके लिए जो उनकी ज़रूरत है उसको देखते हुए, चाहे वो स्लीप साइकिल हो या स्टडी टाइम हो या फिर स्कूल का टाइम हो, उन सभी को एडजस्ट करते हुए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हमारी भी बहुत सारी इच्छाएँ होती है, लेकिन जो इच्छाएँ हैं वो सब चीज़ों को देखते हुए एक कॉम्प्रोमाइज वे में सामने रखनी चाहिए सभी के प्रति। मैं व्यवहार की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बच्चों की तरफ हो या फिर पेरेंट्स की तरफ हो या आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, या फिर अगर मैं अकेले की बात करूँ तो बीवी के प्रति, जो बीवी बोल रही थी कि मैं करके बात नहीं करते हो, तो हमारा एक दूसरे के प्रति यानी कि 360 डिग्री में देखते हुए अच्छे संस्कार को कवर करते हुए सारी चीजें मैनेज करते हुए ये देखना चाहिए कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो, तभी जो है सभी का जीवन सफल है, नहीं तो सबका जीवन व्यर्थ है अगर हमारे कारण किसी को परेशानी हो रही है। तो इसीलिए हम लोग समय का ध्यान रखते हुए आगे सारी चीजें करने वाले हैं। शायद आपको मजेदार एडवेंचरस कंटेंट, दोबारा बोल रहा हूं, नहीं मिले, लेकिन हम लोग पेरेंट्स भी हैं, पति पत्नी भी हैं और हमारे फ्रेंड सर्कल भी हैं, हम लोग सब चीज को देखते हुए ही वीडियो बनाते हैं और ये चैनल सिर्फ श्वेता का नहीं, हमारा चैनल है। आप ही बोलते हो कि नहीं मैं नहीं, गुस्सा होगा तो नहीं मैं नहीं, ये नहीं वो नहीं करते हो, आप ही गुस्सा होते हो। तो चलिए गाइस, बातें हो गई बहुत आज, बस यही बोलना था और आज से फिर से वही शुरू, आज से फ्राइडे तक देखते हैं सैटरडे संडे क्या करेंगे। इस बार सैटरडे संडे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, देखते नेक्स्ट क्या होता है। गर्मी भी तो इतनी है ना, है कि नहीं? सही बात है, मैंने पहले बाय कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा वीडियो एंड हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, तो चलिए गाइस आज की वीडियो यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।